मुंबई के गोरेगांव में फिल्म शूटिंग के दौरान आग लग गई और दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आगजनी में कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के गोरेगांव में फिल्म शूटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है जहां पर दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगी, आग लगने के बाद देखिए यहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोरेगांव में फिल्म शूटिंग के दौरान आग लगने के बाद की तस्वीर है। काले धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया और देखिए 10 दमकल की गाड़ियां लगानी पड़ी आग को बुझाने के लिए। अभी भी दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। श्वेता घुम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, क्या अपडेट है? देखिए विद्या, जिस तरह से जानकारी सामने आई कि गोरेगांव परिसर का ये बांगूर इलाका है जहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म के सेट पर यह आग लगी है। जानकारी जो शुरुआती दौर में सामने आई थी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो 8 से 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और साथ ही यहां पर अब तक ये जानकारी सामने नहीं है कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। आग की लपटें और जिस तरह से धुएं का गुब्बार जो तस्वीर में दिख रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग भीषण है। और अब यहां पर दमकल के कर्मचारी पहुंचे हैं। बीएमसी ने साफ तौर पर इस सेट को पहले ही नोटिस दिया था कि यह इमारत जर्जर मानी जा रही थी, लेकिन ऐसे बीच में क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वजह अभी सामने नहीं आई है विद्या। बहुत बहुत शुक्रिया, ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए श्वेता घुम से आपका।